तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप अपना घर बनाते हो, चाहे वो एक तल्ला का हो, चाहे वो दो तल्ले का हो या तीन मंजिले का हो, कोई भी मंजिले का हो, उसके लिए उसका जो फाउंडेशन होगा उसका डेप्थ आपको कितना रखना है। मैं थंब रूल की बात करूंगा, क्योंकि अगर कोई अपना घर एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला बनाता है ना, तो वो कहीं जाके अपना सॉइल टेस्ट नहीं करवाता है, गांव के साइड में अपने सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी नहीं निकलवाता है। बहुत कोई बोले कि ये तो बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल ये बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन गांव साइड में आप जाओगे तो प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली कोई अगर अपना एक मंजिला या दो मंजिला घर बना रहा है तो क्या वो सॉइल टेस्ट करवाएगा? कभी नहीं करवाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि करवाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करवाते भी नहीं है लोग। हाँ, सॉइल टेस्ट कब होती है? जब हाई राइज बिल्डिंग हो रहा है, छह तल्ला, सात तल्ला, आठ तल्ला चला गया, तब करवाते हैं लोग। तो जनरली आपको एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला के लिए आपको अपने फाउंडेशन का जो डेप्थ रखना है, जो हाइट रखना है जमीन के नीचे, वो कितना रखना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जमीन के ऊपर आपकी जो बिल्डिंग है, खड़ी है, अगर उसका हाइट ज्यादा है और उस हाइट के ज्यादा के अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसका जो फाउंडेशन है वो ज्यादा नीचे तक नहीं ले गए हो, तो वो घर गिर सकता है अर्थक्वेक के दौरान। क्योंकि अगर हम लोग अगर प्रैक्टिकली बात करें, तो मान लीजिए अगर ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और आपका बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा है ऐसे, ठीक है, अब इस हाइट के हिसाब से इसको कौन पकड़ा रहेगा? नीचे जो इसका फाउंडेशन रहेगा वही तो उसको पकड़ के रखा हुआ है ना। तो जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा, जब यहाँ पे ऊपर से तो लोड लग ही रहा है और इधर से भी लोड लग रहा है अर्थक्वेक का धक्का, ठीक है, उस वक्त अगर इसका बेस जो है वो अगर स्टेबल नहीं रहा, तो ये बिल्डिंग क्या होगा कि गिर जाएगा। तो इस बिल्डिंग को प्रॉपर तरीके से स्टेबल रखने के लिए, प्रॉपर तरीके से खड़े रखने के लिए, इसका जो नीचे ये फाउंडेशन प्रोवाइड किया हुआ है, और इस फाउंडेशन का जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ रखेंगे ये एकदम प्रिफर्ड होना चाहिए, जिस वजह से ये बिल्डिंग ना गिरे। आपको उतना रखना ही होगा जिस वजह से ये बिल्डिंग ना गिरे। तो ये कितना रखना है, आजकल अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं लोग ज्यादातर गांव में, वो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, चलो एक तल्ला ही घर बनाते हैं, ठीक है, एक तल्ला बनाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, 3 फीट का क्या करते हैं, अपना फाउंडेशन डेप्थ डाल देते हैं। 3 फीट मतलब 900 mm, मान लीजिए 900 mm या 3 फीट, ठीक है, 3 फीट क्या किए, वो अपना फाउंडेशन डेप्थ डाल दिए और अपना घर क्या किए, एक तल्ला तक बना के रख दिए, ठीक है, एक तल्ला तक। अब क्या हुआ, इन फ्यूचर बाद में वो ये नहीं सोचे कि हम इन फ्यूचर क्या करेंगे, दो तला भी बन सकता है या तीन तला भी बन सकता है, वो क्या किया, एक तला के हिसाब से इसको डाल दिया। बाद में फ्यूचर में, समझ रहे हो ना, एक भाई से दो भाई हुआ, दो भाई के बच्चे हुए, फिर जरूरत आ गई कि चलो हमको दो तल्ला भी बनाना है। आप बिल्डिंग को ऊपर तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आप फाउंडेशन का डेप्थ को तो नहीं बढ़ा रहे हो। ये सीधा सा क्राइटेरिया है बॉस, अगर बिल्डिंग आप ऊपर बढ़ाओगे तो आपको नीचे भी डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, बिल्डिंग आप ऊपर बढ़ाओगे तो नीचे आपको फिर से डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, आप बिल्डिंग को ऊपर उठा सकते हो, लेकिन एक बार जो फाउंडेशन बन गया उसको आप दोबारा से नीचे नहीं कर सकते और डीप नहीं कर सकते, है ना। तो बाद में हम लोग सोचते हैं कि चलो दो तल्ला बना देते हैं, तीन तल्ला बना देते हैं, बना तो देते हैं, लेकिन क्या वो सेफ है? वो सेफ नहीं है। देखिए, बिल्डिंग झट से नहीं गिरता है, जो हम लोग की आरसीसी जो कॉम्पोजिट मटेरियल होती है ना, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट और स्टील से बना हुआ जो भी पार्ट बनता है ना, वो झट से फेल नहीं करता है, हटाक से फेल नहीं करता है, वो आपको मौका देता है कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगा, क्रैक आना चालू हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार सीवियर कंडीशन ऐसा होता है कि हटाक से फेल करता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है। तो भैया करे तो करे क्या, तो आपको पहले से प्लानिंग कर लेना होगा कि हाँ इन फ्यूचर हमको तीन तल्ला तक बनाना पड़ सकता है, तीन मंजिला तक घर बनाना पड़ सकता है, तो तीन मंजिले के हिसाब से ही हम डाल देंगे अभी उसका फाउंडेशन। मतलब उसका फाउंडेशन जो डालेंगे ना, वो कितना गहराई अभी डालने वाले हैं हम लोग, वो इन फ्यूचर हम लोग कितना फ्लोर बनाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग अभी डाल देंगे। अगर मान लीजिए आप एक तल्ला ही बनाते हो, दो तल्ला ही बनाओगे, ठीक है, तो आप पहले से ही क्या करो, इस डेप्थ को तीन मंजिले के हिसाब से ही डाल दो, थोड़ा खर्च आपका बढ़ेगा। वो थोड़ा खर्च के लिए आप कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो अपने घर के साथ, अपने घर के साथ नहीं, साथ में उस घर में जो रहेंगे उनके लिए भी खतरा बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा कुछ रुपए बचाने के लिए हमेशा 3 फीट का जो डेप्थ है ना, ये प्रोवाइड मत किया कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको दो मंजिला घर बनाना ही है, तीन मंजिला घर बनाना ही है। तो मेरी माने तो जो ये फाउंडेशन का डेप्थ होता है ना, इस डेप्थ को ऑलवेज 5 फीट रखिएगा, ठीक है, 5 फीट, ऑलवेज 5 फीट। मिलीमीटर में जाओगे तो 1500 से कुछ ज्यादा होगा ये,
ठीक है, 1500 से कुछ ज्यादा होगा, आपको अप्रोक्स कम से कम 5 फीट डेप्थ रखना ही है अपने फाउंडेशन का, अगर इन फ्यूचर आपका प्लान है कि आप अपने घर को 2 मंजिला या 3 मंजिला करोगे तो, ठीक है। लेकिन जो एकदम प्री डिटरमाइंड है कि हमको 1 मंजिला से ऊपर बनाना ही नहीं है, अगर आप एकदम प्री डिटरमाइंड हो तो आप अपने घर के लिए जो डेप्थ रखोगे फाउंडेशन का वो आप 3 फीट रख दो। 3 फीट एकदम बेस्ट है, एकदम सूटेबल है, कोई दरकार नहीं है कि इससे ज्यादा आपको करना होगा 1 मंजिले के लिए, जरूरत नहीं है, बेकार का खर्चा क्यों करोगे। लेकिन अगर जहां पे हाना वाली कंडीशन आ जाती है, आप आंख बंद करके 5 फीट का डाल दो। अब इस जवाब को सुन के बहुत कोई ऐसे भी कमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, मुझे पता है कि सिविल इंजीनियरिंग कोई खेल नहीं है, हम लोग जो डेप्थ डिसाइड करते हैं ये सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी को टेस्ट करके, उसको जान के तभी हम लोग उसके डेप्थ को डिसाइड करते हैं। तो हाँ भैया आप एकदम सही हो, एकदम सही प्रोसेस जाना जाए तो वही है, लेकिन गांव में कोई नहीं करता है। तो एक थंब रूल जो होता है वो थंब रूल के हिसाब से अगर अपना घर अगर 3 मंजिला बनाते हो, 3 मंजिला, तो उसके लिए आप अपना फाउंडेशन का डेप्थ 5 फीट आराम से रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये जनरल थंब रूल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जनरल एक थंब रूल है, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप करवा सकते हो। जैसे आप, मैं आपको बताता हूं, मैं जिस कंपनी में पहले था वहां का जो डायरेक्टर था वो अपना घर सिर्फ 2 मंजिला बनवाया। आप सोच सकते हो, सिर्फ 2 मंजिला बनाया और उस 2 मंजिले के लिए वो अपना जो फाउंडेशन बनवाया ना, वो पता है कौन सा फाउंडेशन बनवाया? डीप फाउंडेशन बनवाया, पाइलिंग करवा के वो अपना 2 मंजिला घर बनवाया, पाइलिंग करवा के 2 मंजिला घर बनवाया, सॉइल टेस्ट से लेके सारा प्रोसेस जो होता है वो सारा करवाया। तो बात है पैसे की बॉस, अगर आपके पास पैसा है तो आप सब चीज कराओ ना, कौन रोकता है आपको। लेकिन गांव साइड में प्रैक्टिकली ये सब चीज पॉसिबल नहीं होता है। तो ये एक थंब रूल मैं आपको जो बताया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि हम लोग अपने घर के लिए फाउंडेशन डेप्थ कितना डिसाइड करें, तो मैं सोचा क्या चलो इसी पे वीडियो बना देते हैं, तो इसलिए ये बनाया। तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इसको लेके थोड़ा डाउट रह जाता है, इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम रह जाता है। तो बस आज के वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग शेयर भी करोगे इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। और हाँ, और एक बार, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो का इंपॉर्टेंट लिंक डाला हुआ है, चाहे वो बीबीएस का हो गया, चाहे वो क्वांटिटी सर्वे का हो गया, चाहे वो इंटरव्यू का हो गया, चाहे वो हाउस कंस्ट्रक्शन का हो गया, चाहे वो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का हो गया, प्रैक्टिकली साइट रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं वो सारा नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे सारा लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप डायरेक्ट क्लिक पे जाकर उसको देख सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है, बीबीएस का हो गया, आईएएस बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है, आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।